नमस्कार वेलकम टू तो माय चैनल मैं हूं मनीषा दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है जी हाँ हम आपको अपने बालों में हम क्या क्या चीज़ें लगाने के बाद हमारे बालों का झड़ना बंद हो गया है तो सबसे पहले हम अपने बाल में कंघी करके आपको दिखा देते हैं कि बाल हमारे बिल्कुल झड़ रहे हैं कि नहीं ये आप देख सकते हैं कंघी में बिल्कुल हम कैमरे के पास में करेंगे और आप देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक बाल नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए एक दो बाल झड़ना तो बिल्कुल लाजमी है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपके बालों में जो है कंगी करेंगे और आपका एक भी बाल ना झड़े क्योंकि धीरे धीरे देखिए कम होगा और अब हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया जैसे कि कोरोना जो भी पॉजिटिव हुए थे उनको बहुत सारे लोगों को देखा गया कि उसके बाद जो उनको मेडिसिन दी गई है कोरोना के टाइम में तो उसकी साइड इफेक्ट में बाल झड़ना बहुत ज्यादा देखा गया था और हमें बहुत ज्यादा मेरी सीरियस कंडीशन हो गई थी आप सभी को पता है मैंने सभी वीडियो आपके साथ शेयर की है तो आपने कहा था कि हमें भी बताइएगा तो ये हम लेकर आए हैं तो आप सबसे पहले तो जब आपको ऐसी समस्या हो रही है तो आप अपना डॉक्टर से सलाह लें और विटामिन डी का टेस्ट कराएं पैथोलॉजी टेस्ट आप कराएं और जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो जाती है तो हमारे बालों का झड़ना गिरना प्रारंभ हो जाता है और अभी तो ऐसी लाइफ स्टाइल भी है कि धूप वगैरह हम लोग लेते ही नहीं है और सूर्य को दर दर्शन या जल ये सब कुछ भी नहीं रहा तो जिसके कारण भी देखा जा रहा है तो कोरोना पॉजिटिव वालों के लिए हम बता रहे हैं यदि आपको समस्या है तो आप सबसे पहला काम है कि विटामिन डी टेस्ट कराएं उसके बाद आपको डॉक्टर एक पाउडर सजेस्ट करेंगे जो कि विटामिन डी का है और ये हमने ये वाला पाउडर लिया था आप देख सकते हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे और यहाँ पे लाइट की वजह से क्योंकि बहुत इसमें आपको नजर आ रहा कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है और हम यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा देंगे ठीक है तो आप ये मार्केट से परचेज करके लाएं और ये पाउडर कब पीना है कैसे पीना है इसकी प्राइस क्या है आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे उसके पहले हम आपको बता दें कि हमने कौन सा टॉनिक इस्तेमाल किया है बालों में लगाने के लिए और कौन सा शैम्पू यूज किया है क्योंकि आप सभी ने कहा था कि पूरी डिटेल में वीडियो बनाइएगा जब आपके बालों में आराम मिल जाएगा तो तो पहले तो हम आपको अपना शैम्पू दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि हमने ये वाला शैम्पू कोई हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं आपको हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो ये इंदु लेखा शैंपू हम यूज करते हैं और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो जब हमने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी चैनल स्टार्ट किया था 2017 में उसके बाद मैंने ही रिसेंटली आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप अपने बालों में क्या लगाती है कौन सा शैम्पू तो हमने यही आपको सजेस्ट किया था तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे, दे देंगे तो तभी से हम यही शैम्पू यूज करते थे और अभी भी हम ये शैम्पू यूज कर रहे हैं ठीक है तो ये हम करने करते थे और इसके यूज करने का तरीका कैसा क्या है वो वीडियो आप हमारा देखें क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीजें नहीं संभव है अब हम बात करेंगे कि टॉनिक कौन सा हमने लगाया अपने बालों में हेयर टॉनिक जो है तो हम जैसे कि आयुर्वेदिक चीजों पे नेचुरल चीजों पर विश्वास करते हैं और इससे संबंधित कई वीडियो मैंने आपको दी भी है तो ये है दूसरा टॉनिक ये आप देख सकते हैं और ये जीवा आयुर्वेदा का टॉनिक है और इसे हमने अपने बालों में लगाया था तो इसे कैसे लगाते हैं हम आपको दिखा देते हैं ये बिल्कुल ये बिल्कुल लिक्विड देखिए बहुत ज्यादा इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह से आप इसमें करीब दो चम्मच अराउंड ले लीजिए आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ले लें और इसे अपने बालों के जड़ों में लगाना है स्कैल्प में आपको लगाना है इससे आपकी बालों में यदि डेंड्रफ है उससे भी आपको आराम मिलेगा बालों में बहुत ज्यादा डेंड्रफ इकट्ठे इस तरह से बंच तरीके से हो जाते हैं और जिससे इचिंग वगैरह होती है उससे भी बालों के झड़ने की समस्या होती है उससे भी आपको निजात मिलेगी और बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जो स्कल्प पे होते हैं उससे आपको निजात मिलेगी तो ये है हमने इसमें थोड़ा सा लिया है और एक कॉटन बॉल आप ले लीजिए तो छोटा सा लीजिएगा क्योंकि जितना भी आप डिप करेंगे ये कॉटन सोक कर लेगा तो आपको को परेशानी होगी क्योंकि वेस्ट भी नहीं होना चाहिए ना और हम आपको बालों में लगा के अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे मैंने आपको लगाया और पहले आप मेरे बालों की बहुत ज़्यादा लंबाई तो नहीं है ये देखिए क्योंकि बाल हमारे काफ़ी छोटे हो गए थे हम उसकी भी पिक्चर आपको दिखा देंगे कि जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो उसके बाद जब बाल झड़ गए थे तो कितने छोटे हो गए थे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं उससे ज्यादा मेरे बालों की लंबाई हो चुकी है और अब हम इसको लगा के दिखाते हैं कि बिल्कुल सिंपली आपको जिस तरह से हम अपने बालों में तेल लगाते हैं ये कॉटन में मैंने डिप किया है और इस तरह से आपको स्कैल्प में अपने बालों को हल्का हल्का उठाकर और इस तरह से आपको लगाते जाना है ठीक है बीच बीच में आप टिप करते जाए और इस तरह से पूरे ही स्कैल्प पे आपको लगा लेना है और लगाने के बाद आपको कोई शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जैसे आप आप कहीं भी गए हैं ऑफिस गए हैं कुछ भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती आप चाहे तो लंच पीरियड में भी लगा के और अपने बालों को फिर से वापस उसी तरह से कैरी कर सकते हैं ये तो जाना आपने की ये है और टॉनिक लगाने से आपके स्कैल्प पे बहुत सारी समस्या का निदान होगा अब इसका नाम क्या है और इसकी प्राइस क्या है वो भी हम जान लेते हैं तो ये आपको जीवा आयुर्वेदा के क्लिनिक पे मिल जाएगा आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहें तो अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं और आप क्लिनिक पर जाकर लेना चाहें तो वहां भी आप परचेज कर सकते हैं और इसे आपको किस नाम से मांगना है जब आप बोलेंगे तो ये है रोजमेरी हेयर टॉनिक रोज मैरी हेयर टॉनिक के नाम से फेमस है और इसे आप ले लें और इसका जो क्वांटिटी है कितने एम की है वो भी हम बता देते हैं तो 120 ट्वेंटी की है अभी मैंने चश्मा नहीं लगाया तो इतना क्लियर मुझे दिख नहीं रहा है तो आई थिंक 120 ट्वेंटी का है और इसकी प्राइस है 145 यानी कि एक सौ रुपए में 120 सौ का आपको ये मिल जाता है रोज मैरी हेयर टॉनिक है और बहुत ही अच्छा रहता है स्किन फ्रेंडली है बिल्कुल आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आयुर्वेदिक चीजों से बना हुआ है तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो आप इसे अपने घर लेकर आए यदि आप लाना चाहते हैं तो क्योंकि देखिए मैंने ये इस्तेमाल किया है और हमें काफी इससे आराम मिला है इसलिए मैंने आपके साथ ये चीजें शेयर करी हैं ठीक है थीके? तो आप अपने घर लाएं और इसे इसी तरह से इस्तेमाल करें और आप चाहें तो अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन आप लगाएं एक दिन ना लगाएं इस तरह से लगा के शैम्पू करने की कोई जरूरत नहीं है आप अपने बालों में लगा के फिर से आप कहीं भी जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बाल बिल्कुल चंपी वगैरह कुछ भी नहीं होंगे मैंने आपने देखा कि मैंने अपने बालों में इस तरह से लगाया है और कोई आपको कुछ फर्क नहीं महसूस हो रहा होगा लेकिन इसका जो वर्क है वो अंदर ही अंदर आपको करेगा ये शैम्पू हो गया और ये हेयर टॉनिक हो गया अब बात हम कर लेते हैं कि विटामिन डी का ये जो पाउडर है इसे कैसे यूज करना होता है दोस्तों तो इसे आपको एक बारी में ही पूरे एक महीने के लिए ही आपको लाना होगा ठीक है जैसे हफ्ते में एक बार इसको लेना हो पर डे आपको नहीं लेना है आप डे चुन लें जैसे आप संडे को ले सकते हैं या मंडे को जब भी और लेना कब है रात को सोते समय जब बिल्कुल आप बिस्तर पे जा रहे हो सोते समय ये पाउडर आप खो और इसे एक ग्लास में डालें और ऊपर से इसमें दूध डाल दें आप एक कप में बनाना चाहते हो तो एक कप में एक ग्लास दूध पीना चाहते हो तो एक ग्लास में जितने में भी आप पीना चाहते हो ये पाउडर डाल के चम्मच से मिक्स कर ले और उसे रात को सोते समय पी लें हफ्ते में एक बार ही पीना है और डॉक्टरों का कहना है कि यदि आपके बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है तो कम से कम एक साल तक आपको ये विटामिन डी का पाउडर लेना होता है तो हफ्ते में एक दिन यानी कि महीने में आपको चार पाउचेज लगेंगे तो आपको फर्क एक महीने में ही नजर आएगा आप जैसे ही ये पाउडर पीना प्रारंभ करेंगे एक हफ्ते के बाद फिर उसी दिन आपको पीना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है यदि संडे को आपने स्टार्ट किया है, तो कहीं आप एक चार्ट लगा दें। अगर आप भूलते हैं बहुत ज्यादा मेरी तरह तो हम भी बहुत सारा चीज भूल जाते हैं जैसे रात को बादाम भिगाना बिल्कुल भूल जाएंगे कभी रात को कोई मेडिसिन लेनी है तो वो तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे आप दरवाजे पे किचन में वो हम लिख कर लगा देते हैं कि हमें रात को बादाम भिगाना है हमें ये आज पाउच लेना है तो बल्कि बच्चे हंसते भी हैं लेकिन क्या है कि अपना काम हो जाता है इस तरह से नोट लगाने से तो आप इस तरह से हफ्ते में एक बारी पिए महीने में चार पाउचे आपको लेने हैं और इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है दोस्तों बिल्कुल देखने को मिलता है क्योंकि देखिए विटामिन डी हम लोग डायरेक्टली सनलाइट से लेते हैं ठीक है अब सनलाइट बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है जैसे कि सूर्य देने जल देने की जो विधि होती है इसका यही मेन रीजन होता है कि हमें हमारी बॉडी में विटामिन डी मिले तो आप ये करें और आप सूर्य को जल अगर दे सके सूर्य दर्शन कर सके तो बहुत अच्छी बात है आप इस तरह से करें और इसके बिल्कुल फायदे होते हैं हम बिल्कुल गारंटी के साथ हमें तो फायदा हुआ है अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है आपको होता है कि नहीं एक महीने में होता है दो महीने में आप इसको जब यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा तो ये सारी डिटेल में जानकारी थी कि मैंने अपने बालों के लिए क्या क्या यूज किया और कैसे हमको इसका रिजल्ट मिला और बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट है बहुत अच्छा है एक बार हम फिर से आपको अपने बालों को बहुत ज्यादा लंबे बाल तो नहीं है आप ये ना सोचे कि हमारे बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं तो ये है बाल आप देख सकते हैं इनफ है और हमने हमारे बाल थोड़े से कर ली है इसलिए थोड़े छोटे हो जाते हैं यदि आप इनको स्ट्रेट देखना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ शादी हुई थी पड़ी थी तो हमने अपने बालों को स्ट्रेट भी कराया था तो ये देखिए उसका पिक्चर है कि यहां तक मेरे बाल हैं और कैसे मेरे बाल दिखते हैं जब हम इसको स्ट्रेट करा लेते हैं तो तो कुल में आके ठीक ही हो गए हैं क्योंकि देखिए बाल झड़ना बहुत बड़ा टेंशन का भी काम होता है आप कहीं भी उठ बैठ रहे हैं आपके कपड़ों में बाल लग रहे हैं आपके पिलो में बाल दिख रहे हैं बेड पे बाल दिख रहे हैं तो ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है बहुत ज्यादा और हम महिलाओं को तो बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है तो आप ये सभी प्रकॉशन लें और अपने बालों को झड़ने से बचाएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज, प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें जिसे भी ये समस्या है आप उनको भी ये बताएं जिससे उनको भी लाभ हो सके और प्लीज आप जब ये सभी चीजें रेमेडी यूज कर लीजिए और आपको हेल्प होती है आपको बेनिफिट uh, मिलता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे हमारा भी हौसला और बढ़े और हमें अच्छा लगेगा